आपके पास जमीन कितनी है? एको भी शुगर नहीं है। परिवार में कुल कितने लोग हो आप? 12 लोग। परिवार का खर्च कैसे चलता है? अब कैसे चलत है, 60 रुपया मजदूरी है, अब उतने में का होत है 60 रुपया में। इस समय मजदूरी लग रही है? अब इस समय मजदूरी नहीं लगत है। तो मजदूरी न लगने से क्या दिक्कत हो रही है? अब परेशानी है ना, वे घर का खर्चा कैसे चले। मनरेगा में 156 रुपये मिलता, उसमें आप काम क्यों नहीं करती हो? काम मिलते नहीं ना, तो का करी काम। काम पाने के लिए कुछ प्रयास किए हो? हाँ करी थी, लेकिन काम हम का नरेगा का मिलते नहीं ना। मनरेगा में कब आप काम किए हो? 6 महीना पिछले काम मिला है, तब से काम नहीं मिला। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 12 लोग। जमीन है आपके पास? नहीं है। परिवार खर्च कैसे चलाते हो? परिवार खर्च कैसे चलता है, 100 रुपये मजदूरी है, इसमें थोड़ा बड़ा चलता है। मनरेगा का काम भी नहीं मिलता। मनरेगा में पिछली बार आपने कब काम किया था? 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद कोई काम ही नहीं मिला हम लोगों का। काम न मिलने से ही दिक्कत है, परेशानी है बहुत ही। बाल बच्चे, जो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, न तो तेल साबुन अटता है, न कुछ अटता है, हम लोगों में बहुत परेशानी है। हम यही चाह रहे हैं कि हमको मनरेगा काम मिलना चाहिए। आप करती क्या है? मजदूरी करी थी। आपका खर्च कैसे चलता है? कैसे चलता है, 70 रुपये मिलता है। एक आन की मजदूरी करी थी, वहाँ कहाँ खाए पिए का न हो, न लड़कन का लिखावे पढ़ावे का। आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहे थे कि काम करी, नरेगा मिले, काम करी, तो हमारे लड़का बच्चन को खर्च चले। मैं चाहता हूँ कि मनरेगा कानून के तहत राजकुमारी सहित 50 लोगों को काम मिले, ताकि इनमें भुखमरी और पलायन ना बढ़े। इसके लिए आप वीडियो के मोबाइल नंबर 9918775000 पर कॉल कर दबाव बनाने में हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, निजाम मई, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।